सिर्फ देखना ही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जो गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, कलाम हम कलामी का शरफ हासिल हो रहा था। इस हदीस जिब्रील के अलावा बहुत सारी दूसरी अहादीस भी हैं जिसमें फरिश्तों का इंसानी शक्ल सूरत में के तौर पर हज़रत इमरान बिन हुसैन एक नहायत जलीलुल कदर सहाबी थे, फरिश्ते उनको सलाम करते थे, क्या मकाम होगा उनका, कौन सलाम करते थे, उनको फरिश्ते सलाम करते थे, फरिश्तों का इमरान बिन हुसैन स्क्रीन पे मौजूद है, इमरान बिन हुसैन ये बीमार थे और कई साल तक बीमार रहे, बीसियों कई 20 साल से ज़्यादा अरसा बीमार रहे। इसीलिए सही बुखारी में नमाज के ताल्लुक से एक हदीस जो है, फसल्ली क़ाइमन, आप अगर क़याम की कुदरत है तो खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, फ़इन लम तस्तते फसल्ली क़ाइदन, अगर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नमाज़ पढ़ें, और बैठ के भी नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो लेट के नमाज़ पढ़ें। तो ये बीमार थे, इस तरह नमाज पढ़ने का तरीक़ा करते थे। कुरान मजीद में हल अताक हदीस ज़ैफ इब्राहिम अल मुकरमीन, कहाँ है हाफिज़ जी, नहीं है, चले गए, आगे बैठने को कहा था मैंने तुमसे, जगह पहले बनानी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है, इन्हें कैसे मिली और आपको कैसे नहीं मिली। जब कुरान मजीद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का जिक्र है, हल अता का हदीस ज़ैफ इब्राहिम अल मुकरमीन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते एक नहीं कई फरिश्ते आए थे और इंसानी शक्ल में आए थे, उन्हें इंसान समझ के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन तरोताज़ा बछड़ा, गाय का बछड़ा ज़िबाह किया, उसको बेहतरीन तरीके से भून के उनके सामने ला के रखा, तो वो खा नहीं रहे तो क्या मामला है का? फऔजस मिनहुम खीफा, खौफ महसूस होने लगा, मेहमान आता है तो खाना सामने रखा जाता है, खा लेता है, तो कोई प्लान तो नहीं बना के आए ये लोग, तो उन्होंने कहा ला तखफ, तुमको डरने की ज़रूरत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, तुमको खुशखबरी देने के लिए आए, तुम्हें औलाद होगी। वो ये बात कौन सुन रही थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी, तो सुनते उन्होंने कहा गाल पे, ये इस उम्र में बच्चे और बूढ़े हो गए, 80 साल से ज़्यादा उम्र होगी। तो इस कुरान की इस आयत और इस वाक़े से भी पता चलता है कि फरिश्ते इंसानों के पास इंसानी शक्ल में, आपने खाना क्यों बनाया उनके लिए, इंसानी शक्ल में आए थे, मेहमान क्या समझ कर उनके लिए खाना तैयार करवाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भी जब फरिश्ते आए थे अजाब का पैगाम लेकर, नौजवान खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए थे, खूबसूरत नमूदार हुए थे, जंगे बद्र में भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की तरह जर्द अमामा पहन के फरिश्ते हाजिर हुए थे। और इसी तरह से इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमने बहुत से सहाबा करबी की शक्ल में देखना नकल किया है, एक किताब है अल एतक़ाद अला मज़हब सलफ़, इसमें बाबुल कौल फ़ी करामात अलौलिया, उसमें उन्होंने बहुत से वाक़ियात ज़िक्र किए हैं, फ़लाँ सहाबी ने, नौमान बिन मुकरिन ने जिब्रील अमीन को दहिया बिन खलीफा की शक्ल में देखा था, और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा था, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा था, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो बहुत सारे सहाबे किराम और सहाबियात ने जिब्रील अमीन को देखा है। सही बुखारी की एक रिवायत है किताब तफ़सीर में और सही मुस्लिम में भी है वो रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को इंसानी शक्ल में तो बेशुमार मौके पे देखा था, लेकिन 2 मरतबा अपनी ज़िंदगी में उनको असली शक्ल में देखा था, जिब्रील अमीन को असली शक्ल में देखा था। तो सूरह नजम की जो आयतें हैं, फ़ौहा इला अब्दी माउहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन के दरमियान फासला बिल्कुल नज़दीकी का फासला था, तो इसका मतलब हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि मैंने ये जो जिनको मैं देखने की बात हो रही है वो जिब्रील अल्लाह नहीं थे, जिब्रील अमीन थे, मैंने उनको असली शक्ल में देखा था, तो उनके 600 पर थे। ये सही बुखारी की रिवायत है।
और इसी तरीके से मेराज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? जब आए थे दुनिया में तो इंसानी शक्ल में आए थे, आपको आसमानी दुनिया का सफ़र के लिए। जब आसमानों में पहुँचे तो वहाँ अपनी असली शक्ल में सिदरतुल मुंतहा के पास अपनी असली शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। नारी मखलूक हैं और दोनों ही मखलूक हम इंसानों को नज़र नहीं आते, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और सही बुखारी में ही एक और रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैतुल माल का चौकीदार और अमीन बनाया था, उनकी हिफाजत पे रात में चौकीदारी पे मुकर्रर थे। शैतान जिन एक इंसानी शक्ल में आके अपने फ़क्र व फाका और इफलास का बैतुल माल से गल्ला चुरा रहा था, आपने उनका हाथ पकड़ा, कहने लगा मैं बच्चे वाला हूँ, गरीब हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे छोड़ दो, आइंदा कल फिर आऊँगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह हुई तो हज़रत अबू हुरैरा से मुलाकात ही पूछा, अबू हुरैरा फ़क्र फाके की शिकायत कर रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया, कहा वो झूठा है फिर कल आएगा। आपने ये नहीं बताया कि वो शैतान था, वो झूठा है कल आएगा। फिर दूसरी रात आया, तीसरी रात में जब मुलाकात हुई तो कहा अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, कहा मैं तुझे एक बात बताऊंगा अब तो मेरी बात पर तुझे छोड़ना पड़े, ये चोरी तुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की मुझे पकड़ने की और बांध के छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आयतल कुर्सी पढ़ लो, हम यहाँ खा ही नहीं सकते। तो सदका का वह कदूब, आपसे उसने बात तो बड़ी सच्ची की है लेकिन है बहुत झूठा कदूब है। तो शैतान भी इंसानी शक्ल में आ सकते हैं अपनी असली शक्ल में, और जिन्नात और शैतान कभी सांपों की शक्ल में भी आ सकते हैं, सही मुस्लिम में भी रिवायत मौजूद है। और एक सहाबी गज़वे नई नई शादी हुई थी, अल्लाह के नबी से इजाज़त लेकर अपने घर आए तो बीवी को देखा कि दरवाजे पे खड़ी है, नई दुल्हन दरवाजे पे खड़ी है, बहुत गुस्सा किए और नेज़े से उसको मारने के, कहा अभी कुछ मत करना, अंदर चलो दिखाती हूँ मैं क्यों बाहर आई हूँ। बिस्तर पे एक सांप कुंडली मार के बैठा हुआ था, तो फौरन उन्होंने गुस्से से उसको अपने नेज़े से नेज़ा चलाया, और रावी कहते हैं कि पता नहीं सहाबी ने उसको पहले कत्ल किया या सहाबी को उसने पहले कत्ल किया। बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना किया कि मदीने में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं, और यहाँ कोई जिन सांपों की शक्ल में जब कोई सांप देखो तो उसको ऐलान करो, 3 दिन तक ऐलान करते रहो कि अगर तुम जिन हो तो यहाँ से निकल जाओ हमारे घर से। अगर 3 दिन हम इंसान को असली शक्ल में हमें देखते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलु मिन हैथु ला तरौनहुम, वो तुमको शैतान और जिन्नात और इब्लीस तुमको वो उसके कबीला देख सकते हैं लेकिन तुम उनको देख नहीं सकते उनकी असली शक्ल में, वो कोई इंसानी शक्ल या बकरे की शक्ल में किसी भी गधे की शक्ल इख्तियार कर लें तो इंसान उनको देख सकता है। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आना तो साबित है हदीसों से, और इसी तरह से इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसई, अबू नईम, इमाम बयकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सही हदीसों से नकल किया है। हज़रत उसैद बिन हुदैर थे, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान सुनने के लिए इतना करीब हो गए थे। ये मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज हैं, इन्नका लौ मदैत लरायत अलअजाइब, अगर तुम कुरान पढ़ते रहते सुबह हो जाती लेकिन वो फरिश्ते वहाँ से न जाते।